राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के हॉस्टल्स के एडमिशन के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ स्टूडेंट का फॉर्म है उसमें आपका सेमेस्टर सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। और एमडीयू वाले क्या कर रहे हैं कि आपकी तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक और नई डेट आ गई भाई, जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, या तो फर्स्ट सेमेस्टर का यूजी इंटीग्रेटेड वाला या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पीजी कोर्स वाले जो भी स्टूडेंट है उनके हॉस्टल की जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई, यानी अब आपके इधर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो वो क्यों कर दी गई, पहली चीज तो भाई एक तो पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा, दूसरी चीज भाई इनके पास मतलब सेमेस्टर अपडेट नहीं किए इन्होंने, आपके जो एडमिशन है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं किए। जब तक आपके एडमिशन ऑनलाइन अपडेट नहीं होते तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही थी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इनके लिए क्या था भाई, उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में जा रहे थे कुछ स्टूडेंट के साथ वहां भाई मिसबिहेव भी कर रहे थे वो, तो सारी चीजें मिला के जो भी है आपकी जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। अब वो डेट है वो कितनी एक्सटेंड कर दी गई उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो यूजी इंटीग्रेटेड वालों की वो आपकी 27 तारीख आपकी अप्लाई करने की डेट कर दी गई है, यानी कि 27 जुलाई तक आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 1 अगस्त को आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी, उसमें जो जो बच्चों के एडमिशन होंगे वो अपनी फीस कटवा देना, ओके। उसके साथ साथ जो आपके पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनकी जो आपकी की है वो की है आपकी 29 तारीख तक, ठीक है। यानी 29 जुलाई तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो पीजी कोर्सेज वाले फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। उसमें फिर आपको क्या होगा कि 2 अगस्त को आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी। उसके बाद भाई फर्स्ट सेमेस्टर अलग, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो, नाइन्थ हो, कोई भी सेमेस्टर वाले बच्चे हो उनकी जो मेरिट वो कल लगेगी भाई। चले जाना अपने हॉस्टल में जो भी आपका कंसल्ट हॉस्टल है उसमें जाके अपने भाई मेरिट लिस्ट देख के अपनी फीस जमा करवा देना, ओके। सो आज की वीडियो में यही अपडेट देनी थी। किसी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है यूजी वालों का या फिर पीजी वालों का तो टेंशन ना ले भाई, ठीक है। 27 और 29 तारीख आपकी डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है। और भाई एक चीज और भाई, साथ में जब आप फॉर्म भरोगे ना तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो उसके साथ 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी फीस स्लिप, आपका रिजल्ट, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी चीजें स्टेपल करके अपने डिपार्टमेंट में जरूर जमा करवाना, क्योंकि जो बच्चे वहां पे जमा करवाएंगे उन्हीं की मेरिट बनेगी, ठीक है। घर बैठे से भाई काम नहीं चलेगा, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपका कोई और डाउट रहता तो यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है, इसके ऊपर जाके आप हमें फॉलो करके मैसेज कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।